आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूँ आपके साथ मुनमुन रहमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टरों और पैदल चलकर आ रहे पंजाब के हजारों किसानों को हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास रोक दिया है। इससे भाजपा शासित हरियाणा की पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अंबाला के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। इस दौरान ईंट पत्थर भी चले। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर और पुल पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसे किसानों ने तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसानों को आगे बढ़ता देख पुलिस कर्मियों ने आज सुबह उन पर ठंडे पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने पुलिस द्वारा उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए। बैरिकेड तोड़ने के बाद किसान जीटी रोड से आगे निकल रहे हैं। पुलिस ने कुरुक्षेत्र में किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी कोरोना की दलील देकर किसान संगठनों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेड के साथ सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी टाइमिंग में कुछ तब्दीलियां की हैं। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए प्रशासन ने दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर भी सील कर दिए हैं। इसके साथ साथ किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज मैक्स के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।